एंड वेलकम टू माय चैनल फन एंड लर्न। तो चलिए आज एक बार फिर चलते हैं अपनी बचपन की गलियों में। मेरे पास ये एक पेपर है और मैं इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करूंगी, एक बार इधर से और एक बार इधर से, अब एक बार फिर उधर से, अब दोबारा इधर से, मतलब ज़िगज़ैग पैटर्न में हमने इस पेपर को फोल्ड करना है। देखिए हमें क्या मिल गया, सी के बाद हमने वन बाय वन पेन से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम्स, तो आपको यहाँ पे इस तरह से कोई 7-8 नेम्स लिख लेने हैं एंड कोई एक अदर नेम बीच में फनी भी लिख देना है। उसके बाद हम कुछ और लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्रूट्स, देन यहाँ मैंने लिख दी है वेजेस एंड यहाँ पे मैंने कार्स नेम लिख दिया है और यहाँ पे हम एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं बर्ड्स, कोई आप कार्टून का करेक्टर भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से आपने ये एक साइड कंप्लीट की है और इसी तरह से हम यहाँ पे सेकंड साइड भी कंप्लीट कर देंगे। लाइक यहाँ लिखेंगे, यहाँ, यहाँ और इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिए कि बीच में हमने कुछ ना कुछ फनी भी लिखना है। देखिए जैसे मैंने ये अब ये एक कंप्लीट कर रही हूँ मैं, ये लाइक ये एनिमल्स वाली मैं कंप्लीट कर लेती हूँ लिख के। ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं। अब हम इसको खेलने का तरीका कैसे होता है, लाइक हम जब इसको खेलेंगे तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर कुछ नेम्स लिखे हो मैंने, तो कोई फनी सा नेम लिख दो, जैसे किसी का नेम लिख दो आप टुक टुक, तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओके लेट्स स्टार्ट द गेम। वन प्लेयर सेकंड प्लेयर से पूछेगा नेम्स, तो उसको दिखाना नहीं है, हम बोलेंगे टिक 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 इस तरह, और सेकंड प्लेयर जो है वहां पे बीच में कभी भी स्टॉप बोल सकता है और जहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया वो नेम उसको आ जाएगा। देन सेकंड टाइम में अब जैसे इसी तरह करते हैं हम सबको खेलेंगे तो एनिमल्स के ऊपर आएगा, हम उसको बोलेंगे एनिमल्स टिक 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 स्टॉप, तब उसने स्टॉप बोल दिया तो उसे एनिमल मिल गया डियर। तो कई बार क्या होता है बच्चों को एनिमल मिल जाता है पिग, तो पिग बच्चों के लिए मोस्टली फेवरेबल नहीं होता, तो वो बोलते हैं ओ आज तो तुम्हें पिग मिल गया। तो इस तरह से जो है इस गेम को खेलते हैं, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है और बच्चे इसको बहुत मज़े से खेलते हैं। बहुत ईजी भी है बनाना और आपको सिर्फ बच्चों को ये बना के देना है और बच्चों के साथ इस गेम को खेलना है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लाइकिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।